ऑक्सीजन सिलेंडर्स है एक एक हमारे पास में, तो ट्राई कर रहे हैं यहाँ से उतर जाते हैं फटाफट। ठीक है, डीसी ऑफिस से जो परमिशन या परमिट जो लेना था इसके लिए, अपना खारदुंगला एंड पेंगोंग और जो भी जगहें हैं यहाँ पे, तो दिक्कत ये हो रही है कि आज शॉप्स नहीं खुली हुई, हम लोग के पास फोटोकॉपीज़ नहीं है। तो वहाँ पे गेट पे गए तो लोग बोल रहे थे कि आपको फोटोकॉपी चाहिए, ये चाहिए, लाइन भी लगी हुई थी। और हम लोग का बिल्कुल भी मूड नहीं है कि हम किसी होटल वगैरह में रुक के यहाँ पे दिन ख़राब करें, क्योंकि कल परसों ऑफ है। फिर मंडे को अगर मान लीजिए हम किसी तरह से अप्लाई भी कर पाएँ तो फिर ट्यूसडे को मिलेगा और फिर हम वेंसडे को जा पाएंगे उधर। फिर ये तो लगभग एक वीक से ज़्यादा का एक्सटेंशन हो जाएगा यहाँ पे, जो कि मुझे नहीं लगता कि वर्थ है। वेदर बहुत हॉट है इधर, मैं अब टेम्परेचर चेक कर रहा था, पेंगोंग का भी अच्छा खासा टेम्परेचर है उस। तो हम लोग सोच रहे हैं कि निकल जाते हैं अब, हम लोग काजा करते हुए, स्पीति करते हुए वापस जाएं। अब ये प्लान किया हम लोगों ने, जब आ ही गए हैं तो ये रूट, एक रूट तो प्रॉपरली करें। तो ये पूरा सर्किट हो जाएगा, ये कुछ जगहें जहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट्स वगैरह की ज़रूरत होती है, ये चीज़ें मिस हो जाएंगी। भाई अब हम लोग चढ़ गए लेह मनाली हाईवे पे और सरचू की प्लानिंग है। अगर सरचू से पहले कोई अच्छा कैंपिंग स्पॉट मिला तो वहाँ रुक जाएंगे। वेदर इतना एक्सट्रीम नहीं है तो कहीं भी कैंप कर सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं। तो चलो भाई आगे देखते हैं, फ्यूल पंप ट्राई करूँगा कहीं पे, एक 30-40 किलोमीटर पे फ्यूल पंप मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो यही है, इससे तो क्या ही भरे, अभी तो डला है, अभी तो डला है। कितने किलोमीटर? 30। ये सामने देखो यार, व्हाट अ व्यू। हम लोग वैली में हैं, वैली से पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं और अब दिखाई दिया कुछ। वो एक्चुअली जो जगहें हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं जिनके लिए मतलब आपको परमिट लेना पड़ रहा है। सारा खेल है कि जो जगहें बॉर्डर के बहुत पास हैं, डिस्प्यूटेड हैं या पास हैं, वहाँ पे परमिट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और यार वो चीज़ अपने समझ आते नहीं, आप ट्रैवल पे निकले हुए हो और बीच बीच में आपको दो दो दिन वेट करना पड़ता है परमिट्स के लिए, भाई अपने से वो नहीं होता। तो ये वाला सेक्शन भी मुझे करना था और वो पेंगोंग एंड ऑल वो जो जगहें हैं वो थोड़ी सी हट के हैं एक साइड में, तो मुझे लग रहा है कि उससे बेटर है कि हम लोग ये वाला सेक्शन करें। ये मैं बड़े टाइम से करना चाहता था, काजा वाला, ये वाला अपना किलोंग काजा या फिर आप बोल सकते हो लेह काजा, तो ये वाला सेक्शन करते हैं। भाई ये है लास्ट पंप इस वाले सेक्शन में, अब 300-350 किलोमीटर तक हम लोग को डीजल नहीं मिलेगा, तो मैं फटाफट से डीजल टॉपअप करा लेता हूँ यहाँ से। फिर तो भाई एक जगह रुके हैं, लंच कर लेते हैं
पानी वानी भर लिया अपने डिस्पेंसर में, आप बोल सकते हो स्प्रे वॉशर जो भी है। भाई लंच कर लिया है नदी के किनारे, मज़ा आ गया। तो यही है ओवरऑल एक्सपीरियंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम लोग कोई पेंगोंग को हाथ लगा के आने का नहीं सोच रहे थे। इस रास्ते पे आई एम श्योर कि वो वाला वेदर मिलेगा जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था। नींद आने लगी। हम लोग हैं सरचू से 160 समथिंग किलोमीटर्स। तो एक ये ट्रेल दिखाई दी मुझे, काफ़ी स्टीप है। देखो हम कहाँ से चढ़ के आए हैं भाई, एक गाड़ी है कि घोड़ा। तांगलांगला पास, तांगलांगला का मतलब समझ जाओ 17,582 फीट की हाइट पे है ये पास। इसीलिए अभी भी यहाँ पे बर्फ है, पिघल रही है, ज़बरदस्त हवा चल रही है। एंड ये है भाई तांगलांगला 17,582 फीट, सेकेंड हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। गजब जगह है भाई, गजब। मन तो ऐसा कर रहा है यहीं पे कैंप कर लें, पर हवा बहुत तेज है और हवा तेज होने से बहुत कुछ बदल जाता है बहुत जल्दी। तो आई गेस यहाँ से तो आगे चलना चाहिए, हवा अदरवाइज हमारा भूत उतार देगी। इधर यहाँ से तो चलना पड़ेगा। यार मैं भी कह रहा सांस कैसे फूल रही है। इधर बहुत हाइट है इससे, आई गेस कितना हद से 300-400 फीट नीचे होगी वो जगह जहाँ हम ऐसे गाड़ी चढ़ा रहे थे, है ना। तभी इतना ज़्यादा सांस चढ़ रहा था उधर, और हो सकता है वो नींद जो मेरे को आ रही थी वो भी इसी वजह से हो सकता है थोड़ा सा। अभी भी ऐसा हेजी सा दिमाग हो रखा है, तो बर्फ अभी भी है इधर, पिघल रही है। देखा से दो चार दिन में शायद इतनी धूप पड़ेगी तो पिघल जाएगी एंड फिर कुछ नहीं बचेगा इधर धूल और टूटे रोड्स के अलावा। तो जहाँ पे भी बर्फ फट रही है वहाँ पे नीचे से तो टूटे हुए रोड ही निकलते हैं, फिर बी आर ओ शटाक से रोड बना देते हैं। कमाल के होते हैं। और ये क्या था,
देखो ऐसे रोड निकलते हैं बर्फ के नीचे से, हमारे अंडे ना फूट गए, मतलब मुर्गी के अंडे। तो मेरा मूड हो रहा है कि यार यहाँ पे कहीं पे नीचे जाके कैंप करें इस वैली में। यस रास्ता है। वैली में उतर आए हैं, दिखाता हूँ कहाँ से उतरे। वहाँ ऊपर जो एक छोटा सा दिख रहा है ट्रक जाते हुए वहाँ से, तो अब यहाँ पे अपना कैंप सेटअप करेंगे। कैंप सेटअप करके थोड़ा सा आराम करेंगे, कल खींचेंगे एंड देन फिर उसके बाद परसों भी खींचेंगे। हम लोगों ने चांगलांगला से कुछ आई गेस 2-3 किलोमीटर आगे आके कैंप किया है, वैली में किया है, बट स्टिल हवा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है इधर। तो कई लोग पूछ रहे थे कि भाई आप लोग बाथरूम वगैरह का कैसे करते हो, तो लेट मी शो यू। ये अभी हम लोगों ने बाथरूम सेटअप किया है, पेग्स लगाए हैं इसके ऊपर एंड ड्राई पिट्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अंदर पिट बनाए जाते हैं इस तरह के, देन आप कवर कर देते हो उन पिट्स को यूज़ के बाद में। तो इस तरह से हम लोग बाथरूम सेटअप करते हैं। अब जो अगर ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नहा भी सकते हैं इसके अंदर, इसके साथ और एक्सेसरीज हैं जिसमें नीचे आप एक प्लास्टिक सरफेस डाल सकते हैं जिससे कि पैरों में मिट्टी विट्टी ना लगे। ऊपर से ही ओपन है, सो आप ऊपर भी इसके अंदर मतलब ऊपर से भी इसको कवर अप कर सकते हो। हम लोगों ने इसलिए नहीं किया कि कुछ हवा तेज़ चलती है तो अगर हवा एंटर करती है इसके अंदर तो थोड़ा सा प्रेशर कम रहे, और गाड़ी हम लोगों ने अड़ा दी है इसके आगे जिससे कि थोड़ा सा हवा के झोंके कंट्रोल में रहें। तो इस तरह से बाथरूम सेटअप किए जाते हैं। दोस्तों डिनर डन, चांगलांगला के पास रुके हैं, ऑक्सीजन कम है। एक्चुअली मेरे साथ जो है हेमंत, उसका तो बेहोश हो गया था अभी, थैंकफुली मैं 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी कर रहा था तो अभी ठीक है वो। तो मुझे लगा कि यार ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, तो एकदम से इसने, मैं कुछ कर रहा था टेंट वगैरह लगा रहा था तो इसने मुझे हॉर्न बजाया, तो मुझे लगा ऐसे हाथ कर रहा था इस तरह से, तो मुझे लगा कुछ है, तो मैंने जब पूछा तो ये बोला कि भाई मुझे गड़बड़ हो रहा है। सो मैंने इसको फिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। फिर हम लोग अभी चांगलांगला से आगे चल रहे हैं और इस टाइम पे हालत बहुत ख़राब है मेरी भी, हेमंत की तो कल ही हो गई थी, अभी मेरा भी बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस फील हो रही है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। आई गेस इतनी हाइट पे कैंप नहीं करना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पहुँचते पहुँचते ही हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स है एक एक हमारे पास में, तो ट्राई कर रहे हैं यहाँ से उतर जाते हैं फटाफट से, मैं भी बेटर फील हो। तो अभी अवॉइड करूँगा ज़्यादा शूट वूट करना, कॉन्सेंट्रेट कर दूँगा रोड पर, आगे निकलते हैं। ठीक है कम पियो है, मेरे को उल्टी आ रही है पानी पीने से। समझ नहीं आ रहा यार, किलोंग तो उतरना ही पड़ेगा फटाफट, सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा झटके हुए। हाँ मेरे सिर फट रहा है बहुत ज़्यादा, इतनी सुंदर जगह है बट हमारी लग चुकी है।